समाजी विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। अपन ने बेटा इसके पहले अफवाह वाला पार्ट का आपने अध्ययन किया था, तो अफवाह में आपने नदियों के बारे में पढ़ा था, तो आपने सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस नदी की मिट्टी उपजाऊ होती है, कृषि योग्य होती है और अपन को नदियों से अर्थव्यवस्था के लिए क्या लाभ है, और अपन इसके बारे में और नदियां डेल्टा कैसे बनाती हैं इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन इसके बाद बेटा प्रश्न उत्तर देखेंगे और आप उनको प्रश्न उत्तर को देखोगे और याद करोगे। तो सबसे पहले है बेटा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प के अंतर्गत आएगा बेटा कि भूमर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, मतलब आप उसके बाद पहले, लेकिन बेटा आप प्रश्न जो पाठ है उस पाठ के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 18 पर एक पूछा गया है प्रश्न, भारत में किस नदी को अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, मतलब जो भारत देश है वहां की अफवाह द्रोणी द्रोणी मतलब सबसे बड़ी है, तो जो गंगा नदी है बेटा, मैंने आपको बताया था आपने गंगा निधि तंत्र पढ़ा था, तो जो गंगा नदी है वहां पर अफवाह द्रोणी सबसे द्रोणी सबसे बड़ी है। उसके बाद बेटा आप उस पाठ पर देखिएगा, ज्ञात कीजिए, उस पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 23 पे आप देखेंगे बेटा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जलप्रपात कौन सा है, तो वह कुचिल जलप्रपात है जो कहाँ है, कर्नाटक में है। कुचिकल सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, वह है कुचिकल जलप्रपात है जो कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद है बेटा कि आप आ जाइए बेटा आपके बुक पर ही जो प्रश्न उत्तर है उनमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखा समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, तो उसके ऑप्शन है बेटा अरि, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृति और जलीनुमा, तो इन सब में से आपका जो वृक्ष की शाखा को समान अफवाह प्रतिरूप में प्रणाली को दर्शाता है वो है केंद्राभिमुख, इसका आंसर है केंद्राभिमुख। फिर दूसरा है बेटा भूलर झील, भूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, भूलर झील इसके बारे में बेटा अपन ने पढ़ा था है ना, तो ये इसके राज्य है बेटा, ये चार ऑप्शन है बेटा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन चारों में से कोई एक राज्य है जहां पर भूमर झील स्थित है, तो भूलर झील कहाँ स्थित है बेटा, जम्मू कश्मीर में स्थित है जो भूमर झील है। आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में कई झील है लेकिन जो भूलर झील है वो बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है वो, कश्मीर में स्थित है। फिर उसके बाद है बेटा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, नर्मदा नदी आपको पता है मध्य प्रदेश में ही, मतलब आप जबलपुर में ही नर्मदा का नाम सुनते हो, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सतपुड़ा से हुआ है, अमरकंटक से हुआ है, ब्रह्मगिरी से हुआ है या पश्चिम घाट की ढाल से हुआ है, तो आपको बताऊं बेटा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है बेटा, अमरकंटक से हुआ है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाले झील है, मतलब जो लवणीय जल जहाँ पर नमक, लवणीय मतलब नमक, जिससे नमक बनता है वह झील कहाँ है, तो संभार, बूलर, डलझौली या उसके बाद गोविंद सागर, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, उसमें सबसे पहले है संभार, बूलर, डल या गोविंद सागर,
तो जो समुद्र है बेटा राजस्थान भर है, ठीक है। उसके बाद है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, मतलब प्रायद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। तो नर्मदा, आपके पास चार ऑप्शंस है बेटा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। तो उसका आंसर है बेटा, सबसे प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है बेटा? गोदावरी नदी है जो वो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो पहला है बेटा आपके पास, के लिए भी चार ऑप्शन है ना, तो महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। तो जो तापी नदी है वो सबसे ज्यादा भ्रांस घाटी से होकर क्या होती है, गुजरती है। कौन सी नदी होती है? वह तापी नदी होती है। उसके बाद है बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए। अब बेटा एक नंबर के प्रश्न है सारे, निम्नलिखित का सापेक्ष में उत्तर दीजिए। एक या दो नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो आपको पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र, मतलब जो जल विभाजक होते हैं, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अफवाह, मतलब जो दो, मतलब जो आप ऊंचे स्थान पर देखेगा ये सबसे ज्यादा आपको हिमालय के उसमें होंगे, है ना। तो ये ऊंचे क्षेत्रों में पर्वतीय और उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी एक दूसरे से अलग, मतलब एक दो एक राह एक नदी है दो भागों में से एक दूसरे से अलग करती हैं, उसे अफवाह कहते हैं। और ये पश्चिम घाट जल विभाजक का एक उदाहरण है। मतलब जो दो, आप मान लीजिए एक नदी बहते हुए आ रही है, उसके बाद दो भागों में बट गई, है ना, एक दूसरे को अलग अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अफवाह कहते हैं। मतलब सबसे पहले इसका क्वेश्चन ये होगा। फिर है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तब सबसे भारत की जो सबसे विशाल द्रोणी नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। गंगा नदी पर द्रोणी जो है वह कैसी है, बहुत विशाल है। फिर उसके बाद में बेटा आपका प्रश्न, दूसरा प्रश्न होगा कि सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मतलब जो गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, कहाँ से एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आपको बताऊं, गंगा नदी की दो मुख्य नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी। गंगा को अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां हैं इनकी, जो ये गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं हैं। इनका वेग बहुत तेज है बेटा, क्योंकि गंगा नदी सबसे तेज बहने वाली नदी है। इनकी मुख्य धाराएं हैं ये दोनों, कहाँ जाती हैं, देवप्रयाग से मिलकर गंगा नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। और लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र, तब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? सिल्ट मतलब जो नदी बेटा जब के साथ जो बहती हुई आ रही, तिब्बत के एक शीत और शुष्क क्षेत्र, मतलब तिब्बत जो है वहां पर शीत मतलब ठंड भी ज्यादा है, वहां का क्षेत्र कैसा है, शुष्क है। इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र, मतलब वहां से ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट है। तो वहां पर कौन सी नदी है बेटा जो तिब्बत से निकली हुई है? ब्रह्मपुत्र। फिर कौन सी दो प्रायद्वीप नदियां गर्त से होकर बहती हैं? कौन सी दो प्रायद्वीप नदियां गर्त से होकर बहती हैं जो समुद्र में प्रवेश करने से पहले किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? मतलब जो दो नदियां हैं वो कौन सी हैं, जो दो प्रायद्वीप नदियां जो गर्त से होकर बहती हैं वे कौन कौन सी हैं? नर्मदा और तापी नदी, ये दो नदी हैं
जो समुद्र में प्रवेश करने से पहले। फिर इसके बाद है बेटा नदियों और झीलों की आर्थिक भाग को बताइए। तो जो नदियों और नदियों में प्रायोजन और जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, जो नदियां होती हैं वो प्रायोजन और जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। और ये सिंचाई और नौ संचालन में भी क्या होती है, सहायक होती है। संभार झीलों को जल का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपन नमक का निर्माण करते हैं। और झीलों में, झीलों से क्या प्राप्त होता है, झीलों में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। तो ये बेटा नदियों का महत्व हो गया और ये झीलों का महत्व हो गया, जो पर्यटन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उससे मनोरंजन के साधन है और इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद ये बेटा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप आएंगे। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं जिसे मानव निर्मित वर्गों में क्या किया इसको बांटना है। तो सबसे पहले है बेटा बूलर झील। तो प्राकृतिक झील में बूलर झील मतलब जो प्राकृतिक झील है उनमें कौन कौन सी झीलें हैं, बूलर, डल, मतलब आपको ये झीलों के नाम दिए हैं, इनमें आपको जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है वो है बूलर, उसके बाद हो गया डल झील, ये सब कश्मीर में, डल झील हो गया, नैनीताल हो गया, और उसके बाद हो गया भीमताल हो गया, और चिल्का झील और पुलिकट, संभार, ये सब आपकी क्या हो गई, बाराणक, ये सब क्या हो गई आपकी, बारापानी, और लोकता जो है आपकी, ये क्या है बेटा, प्राकृतिक झीलें। कौन कौन सी झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें। और मानव निर्मित झीलों में आएगा गोविंद, गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर और विनाद विनाद सागर, ये सब क्या हो गए बेटा, ये मानव निर्मित हैं। और ये जो है आपकी बूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, संभार, चिल्का, ये झीलें आपको प्राकृतिक द्वारा मतलब जो प्राकृतिक से अपन को निर्मित है, जो अपन प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हमको देखने को मिलती है। फिर प्रायद्वीप पठार के पूर्व में मतलब हिमालय और प्रायद्वीप नदियों में अंतर। तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय से उत्पत्ति थी पश्चिमी घाट की उत्पत्ति, ये हिमालय नदी है जो वो हिमालय से निकली हुई है। और ये नदियां कैसी होती हैं, बारहमासी नदियां होती हैं। ये कैसी नदियां होती हैं, बारहमासी नदियां होती हैं। और ये नदियां कैसी होती हैं, हिमालय की नदियां जो होती हैं, यहाँ पर इन नदियों में वर्ष भर साथ साथ ऊंचे पर्वत मतलब जो बर्फ होती है पिघलती रहती है, जिससे इसमें वर्ष भर क्या रहता है, पानी मतलब हमेशा पानी से प्राप्त होता है। और प्रायद्वीप नदियों में पश्चिम घाट से उत्पत्ति होती है। और ये नदियां कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं, ये मौसम के अनुसार नदियों में पानी घटता बढ़ता रहता है। और प्रायद्वीप नदियां, ये नदियां सिर्फ वर्षा पर आधारित, अगर अधिक वर्षा हुई तो नदियां छलछला के भर जाएंगी, उफान पे आ जाएंगी, और सूखे मौसम में ये नदियों का जल कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, और छोटी छोटी धाराओं में क्या करने लगेंगे, बहने लगेंगे। लेकिन हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और कभी उनमें पानी कम नहीं होता, क्योंकि उसमें जो बर्फ होती है पिघल पिघल कर बहती है और हमेशा 12 महीने उसमें पानी होता है। तो ये हिमालय की नदियों और प्रायद्वीप नदियों में क्या हो गया बेटा, अंतर हो गया। उसके बाद है बेटा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। तो पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं, मतलब पूर्व दिशा की ओर जो नदियां बहती हैं, वो होती है महादेवी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां जो होती हैं, वो कैसी होती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होती हैं। तो कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब क्या है, ये प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। और पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो है नर्मदा और तापी नदी। ये कैसी नदी है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ये उल्टा है ना, ये नदियां बंगाल मतलब जो पूर्व की नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, तरफ बहती है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ की ओर बहती है, अरब सागर की तरफ
बहती है। और ज्यादा मात्रा पूर्व की ओर जो नदियां बहती है वह ज्यादा मात्रा में क्या बनाती है, गाद या संवहन करती है, और इसमें क्या करती है वो डेल्टा का भी निर्माण करती है, और ये ज्यादा सहायक नदियां हैं। उसके बाद है ये कम मात्रा में गाद और संवहन करती है और ज्वार नंद मुख का भी निर्माण करती है जो पश्चिम की ओर बह रहे नदियां, और पूर्व की ओर नदियां जो बहती हैं वह ज्यादा सहायक नदियां होती हैं, और जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वे कैसी होती हैं, कम सहायक होती हैं। तो ये पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की नदियों में क्या था, अंतर था। अब आप देखेंगे किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का होना महत्वपूर्ण है, अब किस देश के मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां कितनी महत्वपूर्ण है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जल प्राकृतिक संसाधन है, तब जो इनका जल है वो कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है, तथा इसमें अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य, मतलब ये मानवीय क्रियाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। आपने सुना होगा जल के जीवन में है ना, तो नदियों का जल का प्रयोग घरेलू, मतलब नदियों का जल का प्रयोग अपन घरेलू औद्योगिक तथा कृषि के लिए भी किया जाता है। आप देखिएगा जो नदियों के तटीयवर्ती इलाके होते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि योग्य होती है। फिर इसका उपयोग आप देखिएगा नर्मदा का उपयोग देखिए, आप बरगी बांध का उदाहरण ले लीजिए, जल विद्युत के लिए उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, जो नदियाँ होती हैं उनका जल विद्युत से क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, इसके उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर इनका प्रयोग नौसंचालन तथा परिवहन के लिए भी किया जाता था। पहले आप देखिएगा कि जल मार्ग से ही आपने अपना व्यवसायीकरण शुरू हुआ था, औद्योगिकरण जो था वो अपना जल मार्ग से ही हुआ था। फिर ये मछली पालन जैसे उद्योग के लिए भी सहायक होती है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी इतने रूप से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में लिखोगे और याद करो, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सभी मतलब एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर है, निबंधात्मक दीर्घ उत्तरी सब आपके इसमें मिक्स हैं, आप इनको याद करोगे और कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।